हेलो गेमर्स, तो यार क्या हालचाल है आप सभी के। आ चुके हैं पबजी मोबाइल लाइट के एक और न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों को फेसबुक अनलॉक करके दिखाने वाले हैं। मतलब कि यार, जब हमारा फेसबुक अकाउंट लॉक हो जाता है, इस टाइप का इंटरफेस दिखता है, तो यार कैसे अनलॉक किया जा सकता है। एंड गाइज, ये वाला फेसबुक प्रॉब्लम तब हमारा देखने को मिलता है जब हम अपना फेसबुक अकाउंट किसी और डिवाइस में लॉगिन करके रखते हैं, या फिर एक डिवाइस में से अनदर डिवाइस में हम लॉगिन करके यूज करते हैं फेसबुक अकाउंट को, तब जाकर ये इंटरफेस दिखता है इस टाइप का एंड हमारा फेसबुक अकाउंट लॉक कर दिया जाता है। तो यार आज की वीडियो में ना हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, और यार बिल्कुल लाइव प्रूफ में सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप लोगों को हमारे बॉबी गेम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि यार पबजी और लाइट से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के साथ साथ वीडियो भी आ जाए। नोटिफिकेशन तब आएगा जब आप लोग बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दोगे। तो यार बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को सिंपली से स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, जब आप लोगों के फेसबुक अकाउंट में इस टाइप का इंटरफेस दिखता है तो आप लोगों को क्या करना है। 2021 में जब अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते होगे, तो यार यहाँ पे शुरुआत करें पे क्लिक करते ही आप लोगों को आधार कार्ड वगैरह अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन दिखता होगा। तो यार अगर वो वाला अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन दिखता है तो आधार कार्ड अपलोड कर देना। एंड यार 24 घंटे वेट करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। एंड यार आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखता है तो यार जैसे मैं आप लोगों के सामने अभी दिखा रहा हूँ ना, ऐसा सेम टू सेम इंटरफेस दिखेगा। तो यार देखो, जब आप लोगों के अकाउंट में ऐसा इंटरफेस दिखता है तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो करना है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को वीडियो को फुल देखना है, अदरवाइज आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर फेसबुक अकाउंट अगर आप लोग लॉगिन करते हो तो इस टाइप का इंटरफेस दिखता होगा। तो यार आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर शुरुआत करें पे क्लिक करना है। एंड यार क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड यार यहाँ पर आप लोगों को आगे बढ़ने पे क्लिक करना है। यहाँ पर मांग रहा है कन्फर्म करें कि यह आपका ही अकाउंट है, ठीक है। इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड यार आप लोगों को आगे बढ़े पे क्लिक करना है। एंड देन गाइस, इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड यार यहाँ पर आप लोगों के सामने उस मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके फेसबुक अकाउंट में लिंक है, ठीक है गाइज। फिर यार आप लोगों को उस मोबाइल पर जो OTP गया होगा, वो OTP को यहाँ पर आप लोगों को डाल देने हैं, ठीक है गाइज। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपना OTP कोड डाल देता हूँ। एंड देन गाइज, आप लोगों के सामने OTP कोड डालने के बाद इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड देन गाइज, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, आपके अकाउंट को अनलॉक करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन गाइज, आप लोगों को आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड देन गाइज, यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो, अपनी लॉग इन की जानकारी को सुरक्षित करें। तो यार सुरक्षित करने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि यार आप लोगों को आगे बढ़े पे क्लिक करना है। एंड यार इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा आप लोगों को। एंड गाइज, यहाँ पर आप लोगों को न्यू पासवर्ड डाल देने हैं, जिसमें यार नंबर और नाम दोनों होना चाहिए और 6 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है गाइज। एंड आप लोगों को पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर बदलाव सेव करें पे क्लिक करना है। एंड देन गाइज, आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड देन गाइज, यहाँ बंद करें पे क्लिक करना है। बंद करें पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट अनलॉक हो जाने वाला है। एंड यार यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, आपने अपना अकाउंट अनलॉक कर लिया है, ठीक है। एंड यार उसके बाद आप लोगों को हाल ही एक्टिविटी का रिव्यू पे क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इस जगह पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड गाइज, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, नमस्ते बॉबी, आइए आप का अकाउंट सुरक्षित है, समझ रहे हो गाइस। मतलब यार आपका अकाउंट सुरक्षित हो जाएगा। एंड गाइस, यहां पर आप लोगों को शुरू करें पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट अनलॉक हो जाने वाला है हमेशा के लिए, मतलब यार कभी भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एंड यार दिक्कत तभी होगा जब आप लोग एक से ज्यादा डिवाइस में यूज करोगे। एंड देन गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये क्या हो रहा है भाई, डाउनलोड हो रहा है क्या? अरे नहीं यार, ये जाँच हो रहा है, समझ रहे हो, ये आपका अकाउंट जाँच हो रहा है कि आपके पिछले अकाउंट कहाँ कहाँ लॉगिन है, वहाँ पे हर जगह से लॉग आउट हो रहा है, ठीक है। एंड गाइज, इसको फुल होते ही आपका अकाउंट हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है गाइज। एंड देखते हैं क्या होता है। एंड गाइज, यहाँ पर आप लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा चालू करें पे क्लिक करना है। एंड देन गाइज, आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। एंड देन गाइज, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने नंबर पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड न्यूज फीड पर जाएं पे क्लिक करना है। एंड बूम गाइज, यहाँ पर आपका अकाउंट अनलॉक हो गया है, समझ रहे हो गाइज। मतलब आपका अकाउंट अनलॉक हो गया है। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे बॉबी गेमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि यार यहाँ पर ना आप लोगों को हमेशा
रियल कंटेंट एंड जेन्युइन कंटेंट फ्यूचर में मिलता रहेगा। तो यार अगर अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना लाइक कर दो, 112 लाइक का एम है, 112 लाइक कंप्लीट करवा दो गाइज। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो यार मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे अरे रुको गाइज, मैं ना कल से लाइव करने वाला हूँ, तो यार आप लोगों को सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यार उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यार अब ना हमारा वाईफाई लग गया है, तो यार आप लोगों को ना मतलब अच्छी क्वालिटी में लाइव मिल जाएगी, मतलब यार लाइव गेम प्ले आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेगी। तो यार आप लोग सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना गाइज। एंड यार मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।